com, पत्रिका चैनल आपकी आवाज आपको रखी सबसे आगे। यूपी बुलेटिन लाइव से जिला प्रभारी रमेश चौहान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन के कुशल मार्गदर्शन में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान के नेतृत्व में खालापार चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह श्योरान व वहलना चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने शातिर इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर सुबह सवेरे कोतवाली पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान वांछित लुटेरा व 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को घायल कर गिरफ्तार किया है और पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 16,000 रुपए नकद व एक तमंचा मैद, दो जिंदा व एक खोखा कारतूस, 315 बोर व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार इनामी बदमाश ने 4 दिन पहले वजीराबाद दिल्ली में अपने साथी के साथ चैन लूटी थी और वर्ष 2020 से थाना करावलंगा दिल्ली से वांछित चला आ रहा है। घायल गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार अभियुक्त कल्लू पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से 16,000 रुपए नकद, एक स्प्लेंड मोटरसाइकिल बिना नंबर, एक तमंचा में दो जिंदा व एक खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए। घायल गिरफ्तार अभियुक्त का के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मम्मी मर गया, मम्मी चलो।